गरियाबंद के ग्राम घटकरा के जंगल में नाबालिग युवती का कंकाल मिला है। दरअसल युवती अपने सहेली के घर यहां पढ़ने के नाम पर घर से निकली थी, जिसके बाद से वह नहीं लौटी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज मुला सूचना मिली इसकी सरपंच के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से डलारी से कि अगर सरपंच के माध्यम से, हर गांव सरपंच है तो ग्रुप में डलारी से कि अगर मान लिया कोई भी अज्ञात लड़की अगर मिलते तो सूचित करे जाए। तो पता चली इसकी हमारे गांव जो सरपंच रही से, वो बारका वाला सरपंच, हाँ फोन करी कि यहाँ एक अज्ञात लड़की मिले, तो हमला जानकारी हुई तो ओकर माध्यम से हम सरपंच के साथ में, बारका वाला सरपंच के साथ में आग देखें और वहाँ हमारी लड़की वहाँ बरामद हुई। इस वक्त हम खड़े हैं उस जगह पर जहाँ पर कुछ ही समय पहले एक लड़की के नर कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस ने काफी खोजबीन की है, उसके बाद में उस लड़की की पहचान गरियाबंद के समीप खाली बची के रूप में हुआ है और नाबालिग होने के चलते इसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन निश्चित रूप से घटना बड़ी है। यहाँ की स्थितियां देखने के बाद में स्पष्ट लगता है कि ये लड़की यहाँ तक आई क्यों, कौन लेकर के आया, किस तरह आया, और यहाँ आने के बाद में जो हड्डियों का ढांचा मिला है, उस लड़की का कपड़ा मिला है, पुस्तक कापी मिली है पढ़ने वाला, यह एक रहस्य की ओर इशारा करता है। और यह जांच नरकंकाल की पहचान 17 वर्षीय युवती के रूप में हुई है, उसके परिजनों ने उसकी पहचान कर ली है और घटना कैसे घटी, क्या घटी, सारे पहलुओं पर अभी हमारी जाँच जारी है। आज मोला